ममेरे भाई को उधार नहीं देना पड़ा महंगा, ममेरे भाई और उसके परिजनों ने किया जानलेवा हमला, जीएमसीएच में भर्ती। आपको बता दें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शांति चौक के समीप ममेरे भाई को उधार नहीं देना महंगा पड़ गया। ममेरे भाई और उसके परिजनों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसमें तीन भाई और माँ भी गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बेतिया जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। दोनों पक्ष मिलाकर कुल पाँच लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक पक्ष से एक तो वहीं दूसरे पक्ष से चार लोग घायल हैं। एक को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। हम थे इंतजाम थे, भैया थे, बाद में हम आए। भैया से उधार सुबह में मांगा नहीं थी, त्यौहार का दिन था, गया फिर गाड़ी ब्रज करके गया घर, प्लानिंग बना करके गाड़ी लेकर आया, अल्लाह सभी को मार दिया सारा जो उठाया। और उसके बाद में दुकान में आग उग लगा दिया, तो तीन कैरेट समान दिया। उसके बाद कुछ लोग थे वहाँ मुझे छुड़ा दिया, प्रशासन की गाड़ी आया, कहीं पकड़ करके ले कर दिया। उसके बाद हम लोग को बोला कि हॉस्पिटल पर ले जाओ, हम लोग हॉस्पिटल चले। उसके बाद से केस करने के चक्कर में, फंसाने के चक्कर में, उन लोग ने एक आदमी को यहाँ से नीचे कर दिया। आपके पक्ष से कितना लोग घायल है? चार आदमी, हमारे पक्ष से चार आदमी घायल। कौन कौन? मेरे तीन भाई और एक माँ, माँ का हाथ टूट गया।